ये देख रहे हो भाई, ये जगनेटर बोलते हैं अपने यहाँ पे, अल्टरनेटर या कुछ पावर सप्लायर बोलते हैं इसको, आप देख सकते हो ये सप्लाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी कंपनी, सऊदी का है भाई, कौन सी कंपनी का आपको दिखाता हूँ। ये हाँ, ये लिखा है कंपनी, ये लिखा सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये भाई। और ये आप सोच रहे हो आपको क्यों दिखा रहा हूँ भाई, ये दिखा रहा हूँ इसलिए, ये देखिए सामने सामने की बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली ये बिल्डिंग, इसमें की जो है कल लाइट कुछ चली गई थी, कुछ तकनीकी खराबी के कारण चली गई शायद, पता नहीं क्यों। तो कल आए थे मेरे ख्याल से वही 2 बजे के आसपास आए थे इसमें इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, तो वो बना रहे थे मगर वो बनी नहीं, तो बिजली विभाग वाले तुरंत इसको भेजे और कल से चल रहा है। कल बोलो तो 4 बजे से मेरे ख्याल से शायद चल रहा है, और आज अभी 11 बज रहे हैं इस टाइम, अभी 4 बजे पूरे 24 घंटे से हो जाएंगे चलते हुए। तो ये सिस्टम है भाई, कितना अच्छा है ना, देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, आपको कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट करके। अरे और ये बिल्डिंग है, इसका जो चला गया चली गई थी लाइट, अरे यहाँ से सप्लाई दे रहा है, ठीक है, ये स्विच है, ये सप्लाई यहाँ से दे रहा है यहाँ पर, ओके, ये देख सकते हो भाई। अरे कितना अच्छा, अपने यहाँ पर चली जाती लाइट, बात हो तो 4-4 दिन आती ही नहीं है। अरे भाई साइड है हम लोग की, हम लोग मेरे को मालूम कैसे पड़ा था भाई, ये हम लोग क्या थोड़ा मोटर वोटर चलाते हैं, तो कल बता रहा था कि जो है लाइट चली गई, बाहर लाइट नहीं आ रही, तो वही 1 घंटे बाद मेरे ख्याल तुरंत मैकेनिक आ गए, उसके 1 घंटे के बाद वो आ गया था, ये जनरेटर आ गया था, तब से अभी तक चल रहा है। भाई जनरेटर नहीं, पूरी पुष्पा भाव की गाड़ी हो रही ये देखिए ऐसा कुछ सिस्टम है भाई ये। अरे यार ऐसा भी हो सकता था कि ऐसे होता है ये, चलो भाई लाइट कट गई है भाई, दिक्कत है, और जब तक सही नहीं हो जाते तब तक अपना इंतज़ार करिए, ये भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं भाई, ये सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की जो मतलब एक खासियत है कि ऐसा नहीं 2 मिनट लाइट चली जाए, लाइट मिलेगी 24 घंटे तो मिलेगी, तो मिलेगी ही मिलेगी समझे भाई। और दूसरी बार अरबी भी है यार, ये भाड़े भी मंगवा सकते थे, कैसा दिक्कत है वो हो सकता था, मगर नहीं करवाया ना भाई, कंपनी जब दे रही फैसिलिटी तो दे रही है, और अच्छी बात है यार, ऐसा होना चाहिए। ये देखिए भाई आ गए हमारे ड्राइवर, और ये डीजल डालने जा रहे हैं अभी, इसमें डीजल ख़त्म हो गया, कम पड़ गया, अरे 24 घंटे हो गए इसको चलते हुए भाई, अभी इस टाइम अभी 24 घंटे करीब करीब हो रहे इसको चलते हुए, अभी डीजल डालने आए इसमें, मेरे ख्याल से अभी और चले गए क्योंकि अभी लाइन सही नहीं हो पाई है। अरे देखिए डीजल आ गया, थोड़ा दिखा दें, पेट्रोल पम्प कैसा है यार सिस्टम ये देखिए डीजल पड़ने आ रहा है, थोड़ा दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा, ये देखिए चाबी बनता है, चाबी है पाई बंदर में आगे तो इसमें लगा चाबी है भाई, छोटा बड़ा रहें मेरे भाई लगा के बस चाहिए कर लो, चलो सही है वो गाड़ी भाई, इसी गाड़ी डीजल डालने वाली गाड़ी है, और ये हमारा जनरेटर है, अरे हमारे भाई कंपनी के ड्राइवर है दादा, दादा इसको 24 घंटा हो गया चलते हुए ना, हाँ तो अभी 2 घंटे बाद हो जाएगा, 2 घंटे बाद 24 घंटा हो जाएगा, सही है। इसमें सप्लाई दिया हुआ है, अरे ये घर में लाइट जा रही है, इसमें सप्लाई दिया हुआ है, अरे ये घर में लाइट जा रही है। चलिए ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में जो जनरेटर वो बहुत अच्छा लगा मेरे को यार, जब रूल है
और वो करीब करीब मेरे ख्याल से कल से चल रहा है 4 बजे से, यानी आज अभी बज चुके हैं 12, 4 घंटे बाद पूरे 24 घंटे हो जाएंगे उसे, 24 घंटे चलते हुए मतलब अभी। और अगर 24 घंटे में कोई दिक्कत हुई तो भी चलता ही रहेगा, मतलब बंदे होगा फिर अगर कुछ काम होगा इलेक्ट्रिशियन का, उसके बाद में फिर वो सही करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा जरूर बताना। और ऐसा अपने यहाँ पे इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई मेरे ख्याल से तो, यार अपने यहाँ ऐसा होता है कि 4-4 दिन लाइट चली जाती, 4-4 दिन आती ही नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर उसमें कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।